छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के प्रदेश कार्यालय का आज बुधवार को विधिवत उद्घाटन किया गया और मंच का विस्तार करने पर जोर देने का संकल्प दोहराया गया। कैंप एक में आज छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के प्रदेश कार्यालय खुलने के अवसर पर दूर दराज से ग्रामीण जन शामिल हुए। इस दौरान कहा गया कि छत्तीसगढ़ियों को अब तक छला गया है, हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पुनः संगठित होने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की उत्कंठा लिए हुए ताराचंद साहू ने इस संस्था की परिकल्पना की थी और उसे साकार कर दिखाया, अब हमें पुनः सजग होने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का प्रदेश कार्यालय केम्पन भिलाई में खुले गए है और एक मकसद समस्त छत्तीसगढ़ में पार्टी ला गतिविधि ला एकर आगे बढ़ाए के हमारे पूरी तैयारी है। और 3 दिन पहले हमारे ग्राम अंडा में कार्यालय का स्थापना हुई से और आने वाले इस महीने में हमारे 3 जिला में बहुत जल्द कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। जी, स्वाभिमान मंच पहले भी था जी और ताराचंद जी साहू ने बहुत बड़ा योगदान दिया था जी। उसके बाद क्या वजह हुई कि संस्था आपकी मृत प्राय हो गई थी? ऐसे काफ़ी सारा हमारे जो विरोधी थे उसने तोड़ने की बहुत कोशिश किया और तोड़ते गए, और लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच एक आत्मा है, छत्तीसगढ़ियों का आत्मा है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। कई लोग आएंगे जाएंगे लेकिन ये पार्टी लगातार अपना गतिविधि जारी रखा और आगे भी जारी रखेंगे। नहीं, दीपक नहीं जुड़ा हुआ है, वो अपना अलग है और जी वो बीजेपी में है। और ये माननीय ताराचंद साहू जी ये पार्टी छत्तीसगढ़ियों के लिए बनाया था, ना कि दीपक ताराचंद साहू के लिए बनाया था। हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच पार्टी के जो माननीय ताराचंद जी साहू 2009-10 के दरमियान बनाए रही से ये प्रदेश कार्यालय के आज उद्घाटन है। ये बहुत संयोग की बात है कि आज चंदूलाल जी चंद्राकर जो छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रही से आज उनकी पुण्यतिथि है और एक छत्तीसगढ़िया नेता के पुण्यतिथि में हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच पार्टी के कार्यालय उद्घाटन होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कार्यालय खुले से पूरा प्रदेश के तमाम जो अभी 30-32 जिला करीब करीब हो गए है वो तमाम जिला के नियंत्रण बोलो या देख रेख बोलो संपर्क बोलो ये सब यही के कार्यालय से होने वाला है। अक्सर लोगों ने ये समझते कि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच पार्टी तो खत्म हो गए है, ऐसे बात नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के शाखा सरगुजा संभाग में आज भी है, बस्तर संभाग में आज भी है, रायगढ़ में भी कार्यालय हमारा खुलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के तमाम अलग अलग इलाके में स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ता है, थोड़ा हताश निराश हो गई इसे, मगर हमारे भिलाई के साथी मन के ये हौसला है कि ये पार्टी का फिर से न केवल पहले की स्थिति में लाना है बल्कि ऊपर से भी आगे बढ़ के मजबूत बनाना है, ये संकल्प लेकर के आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।